शिवराज कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे बड़ा फैसला किसानों के हित में लिया गया है। अब किसानों को कृषि उपकरण खरीदने पर सिर्फ 1% टैक्स देना पड़ेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मध्यप्रदेश कैबिनेट की बैठक में किसानों के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कृषि उपकरणों की खरीद पर सिर्फ 1% टैक्स ही लगेगा। इससे किसानों को उपकरणों की खरीद पर करीब 2.50 लाख तक का फायदा होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को 0% ब्याज पर लोन मुहैया कराने का भी निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश के किसान भाइयों को करीब 1000 करोड़ रुपए का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। उज्जैन में महाकाल मंदिर परिसर को भव्य और बड़ा बनाने के लिए कैबिनेट ने 0.462 हेक्टेयर जमीन उज्जैन नगर निगम को देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज विधानसभा के समिति कक्ष में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आज किसानों की दृष्टि से, आज उद्योगों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण निर्णय इस कैबिनेट में लिए। आज तय किया है कि मध्य प्रदेश में जो कृषि उपकरणों पर टैक्स जो लगता था, जो हार्वेस्टर थी, कंबाइन थी, ट्रैक्टर, उसको आज छूट प्रदान कर दिए। 1% किया गया है, जो 10% तक थी, पहले 6 थी, फिर 10 हुई, अब फिर 1 कर दी। लगभग एक इस तरह के पूरे खरीद पर एक किसान को 2.5 लाख रुपए का फायदा होगा, जो अपने आप में काफी बड़ा निर्णय है। एक अन्य निर्णय में किसानों को 0% ब्याज पर पैसा दिया जाने का, जो सरकार शिवराज सिंह जी की सदैव से देती आई है, उसका निर्णय हुआ और लगभग 1000 करोड़ के आसपास की राशि इसमें व्यय की जाएगी। मैं उद्योगों पर आऊं उसके पहले, चूंकि कल शिवरात्रि है, इसलिए मैं यह कहना यहां प्रासंगिक समझता हूं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर बाबा महाकाल के द्वारा आज ये निर्णय हमसे कराया है कि महाकाल मंदिर का परिसर एक भव्य और बड़ा बनाया जाए। इसके लिए 0.462 हेक्टर जमीन नगर निगम की महाकाल बाबा को समर्पित किए, उन्हीं की जमीन थी, उन्हीं को दी है। 13 तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, और इसलिए वो जमीन उन्हें देने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।